इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सलोन, कचहरी रोड अजमेर, सलोन जो आपको देता है स्टाइल। जयपुर के पास में ही स्थित सांभर झील में सुर्खियां आपने पढ़ी होंगी कि प्रवासी पक्षियों की बड़ी तादाद में मौत हो गई है और उस मौत के ऊपर राजनीति भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरे मामले में केंद्र सरकार के ऊपर भी आरोप लगाए हैं और कोशिश की है कि इस मुद्दे पर दबाव जो है पक्षियों की मौत का वो मोदी सरकार पर डाल दिया जाए। लेकिन हमारे अजमेर से सहयोगी साथी हैं आनंद, अब से कुछ दिनों पूर्व जब पक्षियों की मौत की खबर इन्होंने सुनी तो ये वहाँ पर फोटोग्राफी करने के लिए गए, कुछ रिपोर्ट्स कुछ इनपुट्स वहाँ से लेने के लिए गए, लेकिन सरकारी आदेश का हवाला देते हुए उनको वहाँ पर रोक दिया गया। वो विजुअल भी हम आपको अभी दिखाएंगे कि किस तरीके से वहाँ पर रोका गया, मीडिया के ऊपर किस तरीके से बैन लगाया गया कि वहाँ की जो रिपोर्ट्स हैं, वहाँ की जो असली खबरें हैं उनको रोक दिया जाए। क्योंकि जब खबर निकल कर बाहर आ रही थी, सरकार से सवाल पूछना पत्रकारों ने शुरू किया, तो गहलोत सरकार को ये लगा कि पक्षियों का ये मामला कहीं उनकी सरकार के ऊपर दबाव न डाल दे। आनंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप वहाँ पर गए, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो अधिकारी हैं जिनकी हम तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, क्या कहकर उन्होंने आपको वहाँ पर रोका और क्या मना किया? उन्होंने कहा कि हमारे जो सुपीरियर हैं उनके ऑर्डर हैं, मौखिक आदेश हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा मौखिक आदेश की तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, और जिस भी अधिकारी के हैं आप मुझे ये बताएं। उन्होंने मुझे रेस्क्यू सेंटर में अंदर जाने से मना कर दिया। उसका सबसे बड़ा कारण था, मैं जब पहुँचा तो वहाँ एक ट्रैक्टर और एक जेसीबी कुछ पक्षियों को गाड़कर खड्डा बूर रही थी। फिर वो वहाँ अधिकारी खड़े रहे, मैं रेस्क्यू सेंटर में जैसे ही भी, क्योंकि ये बिल्कुल रेस्क्यू सेंटर के सामने हो रहा था, और जैसे ही उन्होंने गाड़ी पे प्रेस लिखा हुआ देखा तो वो एकदम से, वो क्योंकि राजस्थान पत्रिका की एक खबर छपी, खबर में ये कहा गया कि कुछ बीमार पक्षी थे जो इन्होंने उड़ा दिए वहाँ से। क्योंकि जो भी पक्षी है उसको आपको रेस्क्यू कर उसको ट्रीटमेंट देना है, और क्योंकि इनकी तादाद हजारों में है, आपके पास रखने की कोई जगह है नहीं। रेस्क्यू सेंटर में आप किस तरह से इलाज कर रहे हैं, किस तरह से रेस्क्यू कर रहे हैं, हमें वही देखना था। क्योंकि ये प्रवासी पक्षी हैं, ये हमारे तरह एक मेहमान है। आप ये मान लें कि एक विदेशी नागरिकों का दल हर साल यहाँ आता है, प्रजनन करता है, चला जाता है, इनको मतलब ये एक बहुत अच्छी एक सुंदर धरती थी। अब मैं ऐसा नहीं है सांभर पहली बार गया हूँ, मैं सैकड़ों बार गया हूँ। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ की स्थिति ये थी, आप देखेंगे घास जब जमीन से काट दी जाती है तो उसके ऊपर कुछ जैसे निशान रह जाते हैं ना, इस तरह से पंख रतन तालाब पर बिखरे हुए हैं। आप जहां पैर रखोगे वहां बर्ड्स के फर मिलेंगे। मतलब आपको एकदम से लगेगा कि यहाँ कोई पक्षी का युद्ध हुआ या पक्षी काटे गए, क्या हुआ? क्योंकि हजारों पक्षी मरे, तादाद आप भी सही नहीं बता पा रहे, हम भी सही नहीं बता पा रहे, क्योंकि असली असही मायनों में रिपोर्टिंग हो नहीं रही है, पत्रकारों को सही जानकारी। सही मायनों में आप मानो तो तादाद जो मरने की है वो 20,000 से ऊपर है, आंकड़ा कहीं पे भी जा सकता है। क्योंकि हर साल 80 से 90 प्रजातियां हैं जो सांभर आती है, और अभी तक उनमें से, क्योंकि सीजन अब आएगा दिसंबर जनवरी अब आएगा, तो उनमें से जो अभी प्रजातियां आई हैं वो थोड़ी सी आई हैं, अभी 40 करीब आई हैं, अभी 60 करीब या 50 करीब प्रजातियां और आनी हैं। आपने नमक पे बैन इसलिए लगाया कि हो सकता है वहाँ से कोई वायरस दूसरी जगह ना चल जाए, और केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। आज तक सरकारों ने कभी भी वाइल्ड लाइफ या पक्षियों के लिए कुछ नहीं किया। हमारी आना सागर झील का हाल देख ले, मोटर बोट चल रही है, प्रवासी पक्षी कहाँ जाएंगे? धीरे धीरे आप एंक्रोचमेंट करके कवर कर रहे हैं, ये बन जाएगा वो बन जाएगा, ये सब कहने की बातें हर अधिकारी आता है और लीपापोती करके चल जाता है। और मेरी जिस अधिकारी से बहस हुई, मैं उनको जानता नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे अपने अधिकारियों का हवाला देके नहीं जाने दिया। और मेरे जो साथी पत्रकार थे शौकत अहमद टाइम्स ऑफ इंडिया से, हम साथ ही गए थे कवर करने, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया। उन्होंने अपने सुपीरियर्स को बताया कि साहब इस तरह से ये बिल्कुल बंद कर दिया गया है, आप पत्रकार वहाँ नहीं जा सकते। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपका सेंटर अच्छा काम कर रहा है, तो आप रोक क्यों रहे हैं कि हम रेस्क्यू बराबर चला रहे हैं? हम रोक क्यों रहे हैं? भाई आपको दिखाना चाहिए, जयपुर से दल आए हैं, जयपुर से डिपार्टमेंट आए हैं, वो काम क्या कर रहे हैं, हमें वही तो देखना है।
आप पत्रकारों का काम होता है कि आखिर अधिकारी सही तरीके से वो उस काम को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 90 किलोमीटर करीब झील का दायरा है, 3 जिले लगते हैं, अजमेर, नागौर, जयपुर। मॉनिटरिंग सीएम खुद कर रहे हैं सब। मैं ये कहना भी चाहूँगा कि सीएम लेवल पर तक मसला गया, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब वो कितनी देख रेख करते हैं, उनके अधिकारी उनको क्या बताते हैं क्या? मैं पिछले 10 दिनों से ये सुन रहा हूँ कि साहब वो जो पक्षियों में कीड़े पड़े थे ना, वो कीड़े खाकर इनको बीमारी हुई है, और अभी ये मांसाहारी को ही हुई है, जो मांसाहारी जो कीड़े खाते हैं पक्षी उन्हीं को हुई है। तो ये तो वो है जो सरकार ने जो अभी तक ये कह रहे थे, वही रिपोर्ट वहाँ से आई है अभी दूसरी, और जो लैब है उनसे तो आई नहीं है। ये बरेली की, हम दर्शकों को बता दें कि बरेली से राजस्थान सरकार को रिपोर्ट मिली है जिसमें ये कहा गया है कि जब बरसात के वक्त में पानी झील में भर गया था बहुत ज़्यादा, और जब पानी कम हुआ तो जो पानी के अंदर जो छोटे छोटे जो कीड़े थे वो कीड़े किनारे की तरफ आ जाते हैं, और ये जो पक्षी आए हैं इन्होंने उसी को खाया है, वो मरे हुए जो कीड़े थे उनको खाकर इनकी मौत हुई है। बरेली के अलावा दूसरी रिपोर्ट्स भी अभी आने वाली आनी बाकी है। तो मैं ये तो जो अधिकारी कह रहे थे ना शुरू से, ये रिपोर्ट वही आई है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो सरकार चाह रही थी, अधिकारी जो चाह रहे थे वही सरकार चलाते हैं, अधिकारी ही सरकार चलाते हैं सरकारी आदेशों में जो। तो ये वो मैं पहले से सुन रहा हूँ, अच्छी बात है, हम रिपोर्ट को जो है स्वीकार भी करें, पर आप वहाँ जाने से किसी को रोके नहीं, उनको देखने दे क्या चल रहा है। अगर हो सकता आप दूसरे एनजीओ से हेल्प लेकर काम कर सकती हैं, सरकार कई जगह संगठन साथ में लेकर काम करती है, कर सकती है, लेकिन वो ये नहीं कर रही। आज सूचना ये भी आई है कि वहाँ पर अब कुछ एनजीओ पहुँचे हैं और ड्रोन से कुछ पक्षियों को वहाँ पे तलाशने की कोशिश की जा रही है। आनंद, एक बात और कि पक्षियों को वहाँ पे कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से गाड़ा जा रहा है उनको ज़मीन के अंदर, उनको कुछ को जो मर चुके हैं बिल्कुल ही, उनको वहाँ पे गाड़ा जा रहा है, दफन किया जा रहा है, और कुछ का रेस्क्यू किया जा रहा है। आप कुछ नज़र आया ऐसा वहाँ पर? देखिए, रेस्क्यू तो मैंने कई वीडियोज़ भी देखे हैं, बहुत अच्छी तरह से हो रहे हैं, और रेस्क्यू टीम अपनी जितनी मेहनत करनी चाहिए वो कर रही है, पर रेस्क्यू टीम को जो मॉनिटरिंग करने वाले अफसर हैं वो खुद परेशान हैं। मतलब मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ, आप फील्ड में फील्ड का आदमी ही भेजें, किसी एसी कमरे में बैठने वाले अफसर को अगर आप फील्ड में भेज देंगे तो वो आके चिड़चिड़ाहट और काम को डिस्टर्ब ही करेगा। आप ऐसे अधिकारियों को ना भेजें कि यार जो एसी रूम से निकले और बाहर आपने भेज दिया और वो आदमी जाके बोले यार करूँ क्या, ऐसे अधिकारी नहीं भेजें। जो फील्ड में काम करने का अनुभव रखते हैं वही कर सकते हैं। एनडीआरएफ की टीमें बहुत अच्छा काम कर रही है, मतलब मैंने देखा है, तो मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि हाँ वो सही तरह से रेस्क्यू कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत अभी मैं आपको बता दूँ कि अभी पक्षी आना बाकी है, उसके बाद क्या होगा वो जवाब केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों को देना है। आप करोड़ों रुपए के फंड्स एनजीओ को देते हैं, आपने आज तक वाइल्ड लाइफ के लिए और पक्षियों के लिए, आपने सेंचुरीज के लिए, वन विभाग की बहुत सारी टीम है, क्या कर रही है? कुछ नहीं किया, कुछ ही नहीं कर रही है, हमने कभी सुना ही नहीं। एक छोटा सा विज्ञापन आता है कि आज प्रतियोगिता है, आज पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, क्या कर रही है? कुछ भी नहीं। आज सांभर में जो हुआ वो अजमेर में भी हो रहा है, कभी भी हो सकता है। अजमेर में, अजमेर का भी उसमें अपन थोड़ा सा जोड़ लेते हैं एज अ पक्षी प्रेमी, क्योंकि आपने पिछले 2-3 सालों से आप आना सागर की झील के चारों तरफ भी जो पक्षी आ रहे हैं, प्रवासी पक्षी, उनकी फोटोग्राफी कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, और नवंबर अंतिम सप्ताह ये चल रहा है, अभी तक पक्षियों की तादाद नहीं है, क्या कारण है? पहले क्या था कि जो मत्स्य डिपार्टमेंट था उसने यहाँ मछली का ठेका दे रखा था, हमने सबने ऑब्जेक्शन किया, तो उसने क्या आना सागर में जाल बिछा रखे थे, पक्षी ऊंचाई से जब जाल देख लेते हैं तो वो अपने वहाँ बैठ नहीं पाते, तो उन्होंने उस समय वो जाल हटा लिए थे, मचाने बनाई गई, पक्षी वहाँ रुके, प्रजनन हुआ। तो जो पेलिकन जो आते हैं वो मछली खाते हैं, वो एक दिन में, एक बार में 1.5 किलो मछली खा जाते हैं। अब इससे नुकसान किसका है? ठेकेदार का है। तो वो ये नहीं चाहते कि पक्षियाँ उतरे। दूसरा ये है कि वो पुष्कर लेक में भी गए, पुष्कर सरोवर में भी रहे पिछली बार, वो आसपास की जितनी 3-4 झीलें हैं उन सब में रहे, लेकिन इस बार उन सब में नीचे उतरने की कोई उनकी सुरक्षा का उपाय नहीं है जिससे कोई देखकर ये खुश हो सके कि विदेशी मेहमान आए। क्या ये आना सागर में जो बोट अभी जिसका ठेका जारी हुआ है निगम से, क्या ये भी एक वजह है कि पक्षी नहीं? मुख्य वजह यह है
कि आप ये जानकर देख लें कि पक्षी हमेशा, हम पक्षियों को जब कवर करते हैं तो हमारे जो सर हैं वो ये कहते हैं कि आप रोज जाओ और चिड़िया के घोंसले के पास या उसके जो भी जहाँ रहे घोंसला है वहाँ बैठ जाओ, आप कुछ मत करो। आप जब रोज़ वहाँ जाके बैठोगे तो वो एक हैबिट में आ जाएगा कि हाँ यार ये रोज़ आता है, इससे मुझे कोई नुकसान नहीं है, इससे मुझे नुकसान नहीं, सुरक्षित हूँ। तो अब आपको वाइल्ड लाइफ पिक्चर्स मिलना शुरू होती हैं, उसकी डेली लाइफ की पिक्चर्स। लेकिन अब यहाँ उल्टा है, अब यहाँ तो दिन भर बोट चलेगी, ना तो नीचे पक्षी उतर पाएंगे और ना वो अपने यहाँ रह पाएंगे, क्योंकि 24 घंटे पानी में बोट चलेगी तो वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे। तो आप एक टाइम रख लें, पक्षियों का सुबह सुबह का समय होता है और शाम का समय होता है, आप दोपहर में थोड़ा बहुत वक्त आप दे सकते हैं, नगर निगम दोपहर में थोड़ा समय दे सकती है, क्योंकि जिसे कॉन्ट्रैक्ट दिया उसे कमाना भी है। पर 24 घंटे आप बोट चलाएं, आप सुबह उठते ही आप पूरा आना सागर का एक चक्कर लगवाएं, तो ये सर कि थोड़े टाइम में ये सब ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं है, सब व्यावसायिक हो जाएगा। तो अब ये तय करना अधिकारियों को काम है, क्योंकि अधिकारी ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के सरकार को देते हैं, वही साइन कराते हैं। तो सीधी सी बात, एक समझदार अधिकारी का होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, ये हमने बताया कि आनंद जो वहाँ पर स्थिति देखकर आए, उनके साथ जो घटनाक्रम वहाँ पर हुआ वो भी हमने आपको बताया। अजमेर में पिछली मर्तबा 2018 में जो पक्षी, प्रवासी पक्षी यहाँ पर आए थे, उनके कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जो हमने हमारे कैमरे में पिछली मर्तबा रिकॉर्ड किए थे, वो हम आपको दिखाते हैं कितनी तादाद में यहाँ पर प्रवासी पक्षी आए थे, और इन पक्षियों के नाम भी हम आपको अब बताते हैं। मेरा सबसे कहना का मतलब ये है कि रेस्क्यू सेंटर जहाँ पक्षियों को रेस्क्यू करके ले जाया जा रहा है, जहाँ रखा जा रहा है, वहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं है। जब वहाँ के हालात ठीक होते तो वो मीडिया को कवर करने देते कि रेस्क्यू सेंटर में वो पक्षियों को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से रख रहे हैं, क्या है। मेरे वहाँ सुनने में एक बात आई कि रतनगढ़ के पास एक तालाब के पास आगे एक झील है, उस झील में बहुत सारे पक्षी अभी भी मृत पड़े हुए हैं। वहाँ NDRF की टीम इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रही क्योंकि वहाँ दलदल है, और वहाँ कितने मरे हैं, किस हिसाब से मरे हैं, वो वहाँ से किस तरह से निकाले जाएंगे उसके बारे में वो विचार कर रहे हैं, ये मुझे वहाँ के एक जानकार आदमी ने बताया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि वो रेस्क्यू सेंटर के अंदर की परिस्थितियाँ क्या है जो अधिकारी छुपा रहे हैं, मतलब जिस तरह से पत्रिका में ये था कि बीमार पक्षी उड़ा दिए, आप ड्रोन से पक्षी ढूंढ रहे हैं, सरकार दूसरे संगठनों के साथ मिलकर ये काम बहुत अच्छी तरह से कर सकती है और आने वाले समय में हम इन विदेशी पक्षियों को बचा सकते हैं, क्योंकि अगर कोई आएगा नहीं तो हमारे पास टूरिज्म भी नहीं होगा। ये सरकार को सारे तरफ से देखना चाहिए, और जो नमक पर बैन लगाया है सरकार ने, जो वहाँ प्रतिबंध लगाया है, वो ये इस बात को डराने के लिए बहुत काफ़ी है कि वो भी इस रिपोर्ट से सेटिस्फाई नहीं है। अगर आप ये मान लेते कि साहब जो बरेली की लैब की रिपोर्ट है वो एक्चुअल खाने से मौत हुई है, वो एक्चुअल है, तो सरकार नमक बंद करती नहीं। कीड़ों से नमक का कोई मतलब नहीं है, नमक में कीड़े पनपते भी नहीं है, तो क्योंकि नमक बनाने का एक अलग प्रोसेस है, पूरा एक तरीका, तो उसको अभी हाल फिलहाल रोकने का मतलब ये है कि आशंकित है कि इसमें कुछ और भी हो सकता है। वो जो और भी है वो सरकार सार्वजनिक करे जिससे एक पारदर्शिता बनी रहे, हमें यही चाहिए, और जो भी अधिकारी इसका दोषी है उस पर कार्रवाई करे, और जिसने समय से इसकी देख रेख नहीं की, जो टालता रहा, उसको एक बार कुछ तो वॉर्न करे सरकार, यार आप कर क्या रहे थे, उसको कोई चिंता नहीं है कि यार इतने पक्षी मर गए। मुझे ये कह रहे हैं कि दिवाली से 5 दिन पहले से पक्षी मर रहे हैं, अब सोचें दिवाली से पहले से मर रहे हैं, और आपको अब जाकर खबर मिली है कि आप 11-12 तारीख को कह रहे हैं कि सब पक्षी मृत पाए जा रहे हैं, जबकि मर तो तब से रहे थे, और तादाद ये 20,000 से ऊपर की है, आंकड़ा कोई भी आपको एक्चुअल नहीं दे सकता। वो भी तब जानकारी सरकार को तब हुई जब मीडिया में रिपोर्ट्स आई, जब पत्रकारों ने बताया। हाँ नहीं, जब वहाँ जाकर
पक्षी प्रेमी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स जितने हैं उन्होंने देखा, उन्होंने जाके कवर किया तो पता चला कि ये हो रहा है। अब आप ये देखें, अधिकारी इसलिए परेशान है कि सारे अखबारों में फ्रंट पेज पे हेडर बना हुआ है, उस हेडर से परेशान है, जवाब देना है, मुख्यमंत्री जी पूछेंगे। अब वहाँ कोई जाने को तैयार होना, आपको वहाँ घूमना पड़ेगा मीलों पैदल, तब आपको कुछ पता चलेगा। एक्चुअल रिपोर्ट क्या, गाड़ी में घूमकर और नाक पर रुमाल रखकर नहीं मिलेगा, आपको वहाँ रहना पड़ेगा, यही है।